सही, काफी लंबा समय हो गया। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि 400 तो बहुत दूर की बात है, अगर 200 भी पार हो जाए वो बड़ी बात होगी। आठवीं जनता के हाथ में है, दुष्यंत चौटाला तो ऐसे नेता बन गए हैं कि जैसे एक बार शोले फिल्म आया था ना, मैं जो घर जाओ घर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, अब उनकी पार्टी तो कुछ इधर गई कुछ इधर गई, सब पीछे मुड़ के देखे कुछ बताए नहीं है। हुड्डा साहब ने करण दलाल के साथ क्या कर दिया सर? आपको पता मुझे क्यों पूछ रहे? संधि होने के बाद भी उनका अगर परिवारवाद का कुछ और विस्तार कर लेते वो तो फंसे हुए बेटे में, कहते मेरे बेटे को इस तरीके से बचा लो, बेटा आएगा, पिछली बार 2 का दुख हुआ था, इस बार भी बेटे का 1 का दुख तो होने वाला है, 9 के 9 भी हारेंगे और वो तो जरूर हारेंगे। सर आपने एक नारा दिया है मंच के माध्यम से, 25 मई कांग्रेस गई, 4 मई कांग्रेस भाई, किस तरीके से 25 मई कांग्रेस गई, 4 जून आई भाजपा भाई। अच्छा। लेकिन कांग्रेस भी इसी तरह का नारा दे रही है 25 मई भाजपा गई, सुन देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता हमारी जो जनता हमारे साथ खड़ी है जो उसको देखना है कि कौन जाएगा कौन आएगा, आखिर ये तो जनता के दिल में हमारे प्रति जो प्यार है वो तो 1.5 महीना 1.25 महीना हो गया देखते हुए, अपार जनसभ बढ़ रहे हैं, अगर इस प्रकार की एक भी कोई रैली कांग्रेस की कहीं भी हुई हो आप मान ला के देखा दो, हमारी इस समय लगभग 70 रैलियां आज हो चुकी हैं। खट्टर साहब आपका करनाल है लोकसभा क्षेत्र तो अपना करनाल से लड़ रहे हैं अपना साहब, करनाल से लड़ रहे हैं, अपने करनाल के बारे में बताओ जी, क्या हाल है करनाल का? करनाल में मैं लगातार जो कार्यक्रम किए हैं, मेरी रैलियां हो रही हैं, मेरे रोड शो हो रहे हैं, और दिन से वो आ रहा है, और सामने वाला जो कैंडिडेट हमें खड़ा नहीं चाहिए, लेकिन एक अपराधी कैंडिडेट को खड़ा करके कांग्रेस का पाने जो भगोड़ा घोषित हो गया, जिन लोगों को नहीं पड़ी कांग्रेस का जानता नहीं है, कांग्रेस के त्याग को लेकर बात हो रही है, क्योंकि काम का जो शेड्यूल बनता है मेरे साथी मेरा सहयोग करते हैं, मैंने उनको बताया मैं भाषण नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता त्याग की बात करते हैं, कांग्रेस ने त्याग किया है 70 सालों में, चाहे राजीव गांधी की इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्याग नहीं है वो उनकी मजबूरी के पास है कि जब उनको सीखने नहीं देता जनता उनको आती नहीं, वायनाड छोड़ के रायबरेली आ गए हैं, वायनाड को धोखा दे के आए, अब वायनाड बख्शेगा नहीं अमरेली कुछ मिलेगा नहीं, मित्रों उनको तो मिला करके अपना का परिवार डर क्या सता रहा है, साहबजादे को तालपोशी नहीं हुई, माँ रिटायरमेंट होने वाली है, आगे इस परिवार का बनेगा क्या, फिर तो माँ राज कांग्रेस नहीं कर रहा, माँ राज कर रहा है नेहरू परिवार या इंदिरा परिवार, वो नेहरू इंदिरा परिवार का ही खानदान का राज है, ये अच्छा होता कि कांग्रेस में किसी और को आगे ले आते तो विपक्ष में कुछ दिखता भी से, इस बार तो जो पिछली बार 52 सीटें थी 450 लड़ाई 52 आई, इस बार तो लड़ाने के लिए 272-273 मिल रही है उनको, बाकी लड़ाने के लिए नहीं है, अगर आधी लड़ाएंगे तो आएंगे भी आधी।